हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। वो लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच ही रही होगी। दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री ने संस्था पास शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। संस्था पास हुए शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन हेतु शिक्षा मंत्री ने दे दी है सहमति। तो संस्था पास विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन हेतु शिक्षा मंत्री ने दी है सहमति, बात कर दी गई है, क्लियर आप सभी के समक्ष है। और संशोधन हेतु शिक्षा मंत्री ने दी सहमति, इन चार पांच बिंदुओं पर होगा संशोधन, ये होगी शिक्षकों को फायदा, ये बात कही जा रही है, आप सभी के समक्ष देख सकते हैं। और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी और राहत वाली खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के नियमावली संशोधन पर शिक्षा मंत्री की सहमति प्राप्त हो गई है। बहुत जल्द विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संशोधन कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को नीति सरकार जो है सौगात देने जा रही है, देख सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली संस्था पास का परिणाम आप देख सकते हैं, और लिखा है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा ताकि उनके द्वारा सरकारी स्कूल में पूर्व में दिए गए उनकी सेवा बेकार न जाए, देख सकते हैं। और कमेटी गठित की गई है, निर्णय लिया गया है, और शिक्षकों की सेवा 8 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति कर मैट्रिक की दर से 29,500 रुपये उनका बेसिक वेतन निर्धारण किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो परिणति पाने वाले शिक्षकों का वेतन 70,000 से 80,000 के बीच पहुंच जाएगा। नई पेंशन स्कीम में कटौती के बावजूद दे सकते हैं, और तमाम बातें यहां पे स्पष्ट रूप से कही जा रही हैं। नई पेंशन स्कीम में कटौती के बाद शिक्षकों को 70,000 रुपये वेतन भुगतान होगा, और आप देख सकते हैं तमाम बातें स्पष्ट रूप से 17-18 साल से अपनी सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक बनते ही मूल वेतन 36,500 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी शिक्षकों का वेतन 70,000 के आसपास पहुँच जाएगा। NPS में कटौती के बावजूद भी उन्हें लगभग 55 से दे सकते हैं 70,000 प्रतिमाह में वेतन मिलेगा। उनकी सीनियरिटी भी बरकरार रहेगी, उनकी योगदान की तिथि से ही उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। तो बहुत अच्छी अपडेट आ रही है सामने उभर के आप सभी के समक्ष। तो कहीं ना कहीं बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया है, और दूसरे दिन एक भी शिक्षक नहीं लगाई हाजिरी, ये बात भी सामने आ रही है, देख सकते हैं। प्राइमरी शिक्षकों ने सरकार की अपील को पूरी तरह से नकार दिया है, और देख सकते हैं कि स्कूल संचालन की अवधि 10 से 4 बजे तक की जाए, पूरे में घोषित 60 दिवस अवकाश की नीति लागू की जाए, 43 दिनों की अर्जित अवकाश दिया जाए, अवकाश पे अवकाश चाहिए। शिक्षा विभाग की कमेटी के अध्यक्ष को दिए गए सुझाव में प्रथम प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि सहायक शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के ऐच्छिक पद स्थापना की नीति तय की जाए, ये बात कही जा रही है। तमाम मुद्दों पर देख सकते हैं डिस्कशन हुआ है, शिक्षा विभाग की कमेटी का सुझाव आया है, आप देख सकते हैं कि सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक पद स्थापना की नीति तय करने का सुझाव दिया गया है। विभाग की कमेटी को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया है आदेश, आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कक्षा 5 तक के बीए डिग्री वाले शिक्षकों की सूची का तलब किया गया है, छठे चरण या उसके बाद नियुक्ति हुए शिक्षकों का मामला आया है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 तक के बीए डिग्रीधारी वह शिक्षकों की सूची मांगी है जिनकी नियुक्ति छठे चरण या उसके बाद हुई है। स्पष्ट रूप से बड़े अपडेट सामने उभर के आ रहे हैं। वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।